हेलो एवरीवन, देखिएगा अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम के लास्ट लेक्चर में जो बात की थी वो केपी और केसी के कैलकुलेशन की बात की थी। चार क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको केपी केसी से रिलेटेड। आज आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज पूरे लेक्चर के अंदर अपन केपी केसी के कैलकुलेशन से रिलेटेड ही बात करेंगे पूरे के पूरे टॉपिक में, पूरे लेक्चर के अंदर। ठीक है, चलो। मैंने अभी तक जो क्वेश्चन किए थे वो ए बी सी ऐसे मान के किए थे। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करते हैं। अब अपन क्वेश्चन मानेंगे कि वैल्यू दे रखी है। जैसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा ना लगभग 15 ही क्वेश्चन करवाऊंगा आराम से आपको। ठीक है, 15-20 क्वेश्चन लगभग करवाऊंगा। तो देखो, आपको 4 मोल H2 गिवन है एंड 4 मोल I2 गिवन है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन 2 लीटर कंटेनर, 2 लीटर का कंटेनर है, 2 लीटर का पात्र है। ठीक है, इसमें गिवन है। तो एक बात सुन ले पहले तो, कि 2 लीटर का कंटेनर है उसके अंदर 4 मोल H2 और 4 मोल I2 गिवन है। ठीक है, आपको दे रखा है कि H2 गैस प्लस I2 गैस कन्वर्ट हुआ 2 टाइम्स HI गैस, इसका केपी कैलकुलेट करना है। इसका क्या कैलकुलेट करना है? केपी कैलकुलेट करना है आपको। अच्छा, इसका केपी कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या क्या कंडीशन है? चार केस बना के दे रहा हूं। केस फर्स्ट, 2 मोल H2 डिसोसिएट हो जाए एट इक्विलिबियम, साम्य पर 2 मोल H2 डिसोसिएटेड। अलग अलग केस के लिए अलग अलग बात करते जाएंगे अपन। साम्य पर 2 मोल H2 क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए। तो देखो क्या कंडीशन बनने वाली है, आराम से समझो। ये H2 है प्लस I2 है, कन्वर्ट हुआ 2HI। दो वॉल्यूम वगैरह की जरूरत तो नहीं पड़ेगी अपन को। ये 4 मोल था, ये 4 है, ये स्टार्टिंग में 0 है, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, तो 2 इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम टाइम पे 4 माइनस ये 2, तो यहाँ पे भी 4 माइनस 2 और यहाँ आएगा 4। केसी लिखो, केपी लिखो, एक ही बात है, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 2, 16 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4। ये केपी और केसी 4 आ जाएगा। ठीक है, चल केस सेकंड, एट इक्विलिबियम साम्य पर 25% I2 डिसोसिएटेड हो जाए, 25% क्या वियोजित हो जाए? I2 डिसोसिएटेड हो जाए। क्या करना है क्वेश्चन को? अच्छा, 4 मोल I2 था तो 25% का मतलब कितना मोल हो गया? 1 मोल। कितना मोल हो गया? 1। बस आपका काम हो गया। इक्विलिबियम पे लिख दूं सीधा इस वाले के अकॉर्डिंग, तो यहां से 4 माइनस 1 जाएगा, तो यहां से भी 4 माइनस 1 जाएगा, इधर आएगा 2, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। केपी इज इक्वल टू केसी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 3, 4/9। कितना हो जाएगा? 4/9 हो जाएगा। चलो आगे, नेक्स्ट केस थर्ड। केस थर्ड मैंने ये बोला, एट इक्विलिबियम साम्य पर 3 मोल HI फॉर्म, साम्य पर 3 मोल जो है वो HI बनता है, साम्य पर 3 मोल HI बनता है, आपसे ये बोला गया है। ठीक है, अगर 3 मोल HI बनता है तो मैंने कहा रिएक्शन तो ये है, H2 प्लस I2 कन्वर्ट 2 टाइम्स HI, तो ये 4, ये 4, ये 0। ठीक है, यहाँ 4 माइनस एक्स लिखोगे, यहाँ 4 माइनस एक्स लिखोगे, ये 2x लिखोगे, तो 2x इज इक्वल टू हो गया 3, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 1.5, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1.5, ये भी हो जाएगा 4 माइनस 1.5 मीन्स 2.5, तो केपी और केसी बराबर होंगे 3 का स्क्वायर अपॉन 2.5 इंटू 2.5, 9 अपॉन 6.25, जो भी आएगा कैलकुलेशन कर लेना आप। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन में मैंने 3 पार्ट करवा दिए, मतलब ये 3 अलग अलग क्वेश्चन की तरह हो गए। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन ये, 5 मोल H2 एंड 5 मोल I2 इन 10 लीटर कंटेनर, 10 लीटर के कंटेनर में 5 मोल H2 है और 5 मोल ही I2 है, H2 प्लस I2 कन्वर्ट 2 HI
केसी इसका दे रखा है 225 एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो बोला एट इक्विलिबियम मोल्स ऑफ H2, I2 एंड HI ये कितने होंगे। आपसे ये बोला है कि साम्य पर बताओ H2, I2 और HI के मोल कितने होंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। साम्य पर H2, I2 और HI के मोल कितने होंगे ये पूछा जा रहा है। चलो ठीक है, मैंने कहा ये 5 मोल था, ये 5 था, ये 0 था, ये 5-X हो गया, 5-X हो गया, ये 2X हो गया। केसी कितना दे रखा है 225, तो ये 2x का स्क्वायर अपॉन 5-x इंटू 5-x, वॉल्यूम का कोई रोल नहीं, डेल्टा एन जी 0 है, इसलिए स्क्वायर रूट ले लो, 15 हो जाएगा 2x अपॉन 5-x, है ना। तो यहां से हो जाएगा 75-15x इज इक्वल टू 2x, 17x इज इक्वल टू 75, तो x इज इक्वल टू 75 अपॉन 17, ये आ जाएगा। अच्छा H2 के मोल चाहिए 5-x, तो 5-75 अपॉन 17, तो 10/17 आ जाएंगे। I2 के मोल भी यही होंगे, HI के मोल 2 टाइम्स x, तो 150 अपॉन 17, ये लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। चले आगे चले, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, थर्ड नंबर प्रॉब्लम, छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 3A गैस कन्वर्ट हो रहा है B गैस प्लस C गैस प्लस D गैस में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी दे रखा है 27, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B 3A, ठीक है, तो NA इनिशियली कितने होंगे, ए के प्रारंभिक मोल कितने होंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर साम्य पर जो है वो बी के इतने मोल है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है साम्य पर बी के 3 मोल है, तो इनिशियल में ए के मोल कितने होंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। मैंने सोच लिया ये स्मॉल ए मोल होंगे, कितने मोल होंगे, स्मॉल ए। अच्छा वॉल्यूम का तो कोई रोल है ही नहीं, ठीक है, ये a माइनस अगर 3x होता है तो यहां पे x आएगा, यहां पे x आएगा और यहां पे x आएगा, और x की वैल्यू कितनी 3, x की वैल्यू कितनी 3, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये a माइनस 9 हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, तो 27 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 अपॉन a माइनस 9 का क्यूब, 27 से 27 कैंसिल, a माइनस 9 का क्यूब इज इक्वल टू 1, तो a माइनस 9 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 10, इनिशियल मोल कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, इनिशियल मोल कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, इनिशियल मोल 10 हो जाएंगे, कितने क्वेश्चन हो गए 3 हो गए। चले क्वेश्चन नंबर 4 देखे, आपको एक दे रखा है 2A गैस है प्लस B गैस है, ये कन्वर्टेड हो रहा है 2C गैस प्लस D गैस में, ये है। आपको ये बोला जा रहा है कि इनिशियल मोल ऑफ A और इनिशियल मोल
ऑफ बी का जो रेशियो है वो 2:1 है। देखो इसको लैंग्वेज में ऐसा भी बोला जा सकता है, मैंने तो शॉर्ट में लिखा, आपको ऐसा बोला जा सकता है इनिशियल मोल रेशियो ऑफ ए एंड बी आर इन स्टोकियोमेट्रिक रेशियो, आर इन स्टोकियोमेट्रिक रेशियो। तो इसका स्टोकियोमेट्रिक रेशियो भी क्या है, 2:1 ही तो है, ठीक है। ये इनिशियल मूलों का अनुपात है, प्रारंभिक मूलों का अनुपात है, ठीक है भैया। और आपको क्या बोला गया, साम्य पर बी के और सी के मोल इक्वल है, तो बोला इस रिएक्शन का केसे कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलो करते हैं कैलकुलेट, ये 2:1 है तो इसको 2a और इसको a ले लो, दो वॉल्यूम का तो कोई रोल है नहीं क्योंकि इसका डेल्टा एन जी जीरो है, तो ये 2 स्मॉल a, ये स्मॉल a, ये जीरो, ये जीरो, ये t इक्वल टू इक्विलिबियम टाइम पे 2a माइनस, यहां 2x लिख दो तो यहां a माइनस x लिखा जाएगा, बोलो यहां पे 2x आएगा, यहां पे x आएगा, अपन को मालूम है a माइनस x इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू a बाई 3, x इज इक्वल टू a बाई 3 यहां पे सब जगह पुट करें, x इज इक्वल टू a बाई 3, तो 2a माइनस 2a बाई 3 यहां हो जाएगा 2a बाई 3, यहां पे भी 2a बाई 3 और यहां पे a बाई 3, तो इसका केस ही लिखते हैं अपन 2a बाई 3 का स्क्वायर इंटू a बाई 3 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 4a बाई 3 और ये हो जाएगा 2a बाई 3। एक काम करो, a से a तो सारे कैंसिल हो गए, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 4 और यहां बच गया 4 का स्क्वायर 16 और 32, 1/8 कितना आएगा आंसर, 1/8 आ जाएगा, सही बात, 1/8 आ जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, फिफ्थ नंबर। 2a गैस है, ये कन्वर्ट हो रहा है b गैस प्लस c गैस में, चलो ठीक है, ये दे रखा है मेरे को, बोला है कि इनिशियल प्रेशर ऑफ a 10 atm है और इक्विलिबियम पे b का प्रेशर जो है वो 4 atm है, तो इस रिएक्शन का kp कैलकुलेट करो। दो मोल को, प्रेशर को एज ए मोल ट्रीट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर को एज ए मोल ट्रीट करवा सकते हो, डेल्टा एन जी इसका जीरो है तो इसका 10 atm है, ये जीरो है, ये जीरो है, 10 - 2p होगा तो यहां p आएगा, यहां p आएगा, p इज इक्वल टू कितना है 4, तो यहां पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, तो kp इज इक्वल टू 4 × 4/2 का स्क्वायर, kp इज इक्वल टू kp इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चले आगे, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। अभी तक सारे डेल्टा एन जी, 5 क्वेश्चन आज के, 4 क्वेश्चन कल के, 9 क्वेश्चन में डेल्टा एन जी सब में क्या चला, 0। अब अपन क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करते हैं, डेल्टा एन जी 0 नहीं रखेंगे, आपको दे रखा है ए मोल एन टू और बी मोल एच टू इन वी लीटर कंटेनर में, ठीक है। एक तो ये बात दे रखी है, एट इक्विलिबियम साम्य पर एक्स मोल एन टू डिसोसिएटेड, साम्य पर कितना मोल डिसोसिएट हो जाएगा, एक्स मोल, पी टोटल एट इक्विलिबियम जो होगा वो कितना है, पी है, साम्य पर कुल दाब कितना है, पी है, शॉर्ट में लिख रहा हूं बिल्कुल। तो आपसे पूछा है इस रिएक्शन का केपी और केसी कितना होगा, कौन सी रिएक्शन का, N2+3H2 कन्वर्ट 2 times अमोनिया, इस रिएक्शन का पूछा जा रहा है अपन से केपी और केसी कितना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल से तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे अभी अपन, चलो आओ करते हैं कैलकुलेट, करें कैलकुलेट, करें करो, N2+3H2 कन्वर्ट 2 times अमोनिया, ये आया स्टार्टिंग में ए इसका बी इसका जीरो, ए माइनस एक्स तो बी माइनस 3x तो ये 2x, केसी इज इक्वल टू 2x का
स्क्वायर, ए माइनस एक्स, बी माइनस थ्री एक्स का क्यूब, वन अपॉन वी की पावर डेल्टा एन माइनस टू, इसका मतलब ऊपर चला जाएगा, के सी इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस थ्री एक्स का क्यूब। अच्छा केपी की बात करते हैं, केपी भी ऐसा लिखा जाएगा टू एक्स का स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स और इधर बी माइनस थ्री एक्स का क्यूब, ये होगा। अब सुनना आगे बात को, ऊपर लिखा जाता टोटल प्रेशर, वो दे रखा पी की पावर माइनस टू, टोटल मोल कितने हो गए गिनो तो, ए प्लस बी माइनस टू एक्स की पावर भी माइनस टू, तो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी माइनस टू एक्स का स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस थ्री एक्स का क्यूब इंटू पी स्क्वायर, ये केसी और केपी हो जाएंगे। देखो सिंपल सा तरीका है, अभी तो ए बी में है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, जैसे ही अपन क्वेश्चन को ए बी के फॉर्मेट से बाहर निकालेंगे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। ये डेल्टा एनजी लेस देन जीरो वाला केस था, और देखो क्वेश्चन, तो अभी चले आगे चले, चलो क्वेश्चन नंबर सेवन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, ये दे रखा है टू टाइम्स एनओ टू कन्वर्ट हो रहा है एन टू ओ फोर में, इसका केपी एंड केसी कैलकुलेट करना है। क्या दे रखा है, ए मोल एनओ टू दे रखा है इन वी लीटर कंटेनर में, पहली बात। सेकंड नंबर, एट इक्विलिबियम एक्स मोल एनओ टू डिसोसिएटेड, एक्स मोल एनओ टू क्या हो जाएगा वियोजित हो जाएगा, टोटल प्रेशर एट इक्विलिबियम कितना है पी है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिबियम कितना होगा पी, बस ये डेटा दे रखा है और बोला इसका केपी और केसी कैलकुलेट करो, हो जाएगा, करो देखिए कैलकुलेट। मैंने कहा टू टाइम्स एनओ टू है कन्वर्ट हो रहा है एन टू ओ फोर में, ये ए है ये जीरो है, ये ए माइनस एक्स होगा तो ये एक्स बाई टू होगा, चलो इतना ही तो काम करना होता है अपन को। टी इज इक्वल टू इक्विलिबियम टाइम पे के सी इज इक्वल टू एक्स बाई टू अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू वन अपॉन वी की पावर डेल्टा एन माइनस वन, तो इसका मतलब के सी इज इक्वल टू एक्स इंटू वी अपॉन टू इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा केपी इज इक्वल टू, ये केसी आ गया भैया, केपी इज इक्वल टू एक्स बाई टू अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू पी की पावर माइनस वन अपॉन टोटल मोल कितने हो गए ए माइनस एक्स बाई टू इसकी पावर माइनस वन, कर लो इसको सॉल्व, केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू ए माइनस एक्स बाई टू अपॉन टू इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू पी, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और देखो क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट ये दे रखा है, ये पीसीएल गैस दे रखा है, ये कन्वर्ट हो रहा है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में, बोला इसका केपी और केसी कैलकुलेट करो। क्या दे रखा है, ए मोल PCl5 है वही इन वी लीटर कंटेनर, ठीक है, और एट इक्विलिबियम
x मोल PCl5 जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, और इक्विलिबियम पे टोटल प्रेशर जो है वो कितना है, पीए। इक्विलिबियम पे टोटल प्रेशर कितना है, पीए। चलो करते सॉल्व। PCl5 गैस जो है वो कन्वर्ट होता है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में, कितना मोल है, ए जीरो जीरो, ए माइनस एक्स, तो इधर भी एक्स इधर भी एक्स। ये तो वो पहले लेक्चर में लिखना सिखा दिया था, बार बार ये यूज आ रहा है, मैंने पहले भी समझाया था तुम लोगों को। कैसी कैलकुलेट करो, एक्स इंटू एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, वन अपॉन वी की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन वन है, तो बस काम हो गया। केसी बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स इंटू वी। केपी इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, प्रेशर पी की पावर डेल्टा एन अपॉन टोटल मोल ए प्लस एक्स की पावर वन। तो केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ऐसा एक्सप्रेशन लिख दे कभी के इसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन है, इस वाले क्वेश्चन के लिए ये वाला अगर एक्सप्रेशन है, और फिर अगर आपसे पूछे कि व्हेन प्रेशर इज इंक्रीजेस देन केपी, प्रेशर इज इंक्रीजेस देन केपी, तो लोग भावनाओं में बह जाएंगे कि प्रेशर इंक्रीज हुआ तो केपी भी इंक्रीज होना चाहिए, बट केपी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। क्यों, केपी इक्विलिबियम कॉन्स्टेंट है ना, अगर प्रेशर चेंज करोगे तो केपी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, केपी दो ही चीजों के साथ चेंज होता है, एक तो मोड ऑफ द रिएक्शन और दूसरा टेम्परेचर, मैंने ये दोनों ही चेंज नहीं किए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, करें स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी तो एबीसी में चल रहा है ना, अब अपन थोड़ा सा इसको पार्ट में लेते हैं। आपको बोला दो मोल एन टू है और चार मोल एच टू है, किसमें, दो लीटर के कंटेनर में, और साम्य पर कुल दाब प्रेशर एट इक्विलिबियम टोटल प्रेशर 680 एम है, ये दे दिया। तो बोला N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट टू टाइम्स अमोनिया, इसका KP एंड KC कैलकुलेट करो। कुछ केस दे रखे हैं, केस फर्स्ट, वन मोल N2 डिसोसिएटेड, एक केस करूंगा उससे सब समझ में आ जाएगा। एक मोल N2 डिसोसिएटेड हुआ, ठीक है, आप तो इक्वेशन ऐसे लिखो, N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट हुआ टू टाइम्स अमोनिया, हाँ कितना मोल है स्टार्टिंग में, दो मोल, इसका चार, इसका जीरो, एक मोल तो ये एक, तो इधर से जाएगा तीन, इधर से जाएगा दो, बस ये हो गया वन, ये भी हो गया वन, और ये हो गया टू। केसी कैलकुलेट कर लूँ इधर ही साइड में, केसी जो होगा वो होगा टू का स्क्वायर अपॉन वन इंटू वन, वन की पावर थ्री लगेगी वही होगा, वी वी कितना है टू, और टू की पावर कितनी है माइनस का टू, तो केसी इज इक्वल टू फोर, और ये फोर ऊपर चला जाएगा, फोर इंटू फोर सिक्सटीन। केपी कैलकुलेट कर लेता हूँ, वही टू का स्क्वायर वन इंटू वन, अच्छा टोटल प्रेशर कितना है सिक्स, सिक्स की पावर माइनस टू अपॉन टोटल मोल कितने हो गए, एक दो दो चार, चार की पावर माइनस टू, ये हो जाएगा फोर इंटू सिक्सटीन, और थर्टी सिक्स आ जाएगा अपॉन में, सिक्सटी फोर अपॉन थर्टी सिक्स, ये लो। सिंपल से तरीके है देखो कैलकुलेट करने के, जनरलाइज जो फॉर्मूला लिखा है उसी से ही सबको टैकल करते हुए चलना है। केस सेकंड, ऐसा दे दे कि 50% एच टू डिसोसिएट हो जाए, 50% एच टू डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, तो 50% का मतलब हो गया एच टू के चार मोल थे तो दो मोल चले जाने चाहिए, दो मोल चले जाने चाहिए, तो इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं पहले फोर माइनस टू, तो इधर जाएगा टू बाई थ्री, ये अब आपको लिखने आने चाहिए, है ना, तो और इधर आएगा फोर बाई थ्री, ये मोल आ गए। इसको अगर आप सॉल्व करके लिखे तो ये हो जाएगा फोर बाई थ्री, ये हो जाएगा टू, और ये फोर बाई थ्री है, ये केसी लिखना है तो केसी लिख दो, फोर बाई थ्री का स्क्वायर अपॉन फोर बाई थ्री इंटू टू का क्यू अपॉन टू रेस टू दी पावर माइनस टू, तो केसी इज इक्वल टू एक फोर बाई थ्री
एक टू की पावर वन बचेगी बस यहां पे, तो टू बाई थ्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा टू बाई थ्री। केपी इज इक्वल टू फोर बाई थ्री का स्क्वायर अपॉन फोर बाई थ्री इंटू टू रेस टू दी पावर थ्री, टोटल प्रेशर है कितना सिक्स, तो सिक्स की पावर माइनस टू अपॉन टोटल मोल कितने हो गए फोर बाई थ्री और फोर बाई थ्री एट बाई थ्री, एट बाई थ्री प्लस टू फोर्टीन बाई थ्री, फोर्टीन बाई थ्री की पावर यही तो होगा फोर्टीन बाई थ्री, फोर्टीन बाई थ्री की पावर कितनी हो जाएगी बोलो माइनस टू, एक कैंसिल आउट, ये हो गया फोर बाई थ्री, ये हो गया एट, ये हो जाएगा थर्टी सिक्स, ये ऊपर जाएगा पावर बन के, तो फोर्टीन का स्क्वायर वन नाइनटी सिक्स और थ्री का स्क्वायर नाइन, ये बनेगा अपने पास टोटल ओवरऑल डेटा ये बनने वाला है। इसको आप सोल्व कर ले, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा नाइनटी एट है ना, ये हो जाएगा वापस फोर्टी नाइन, तो ये हो जाएगा एटीन, तो ये हो जाएगा फोर्टी नाइन अपॉन ट्वेंटी सेवन इंटू एटीन, जो भी आएगा कर लोगे इस साइड से बोलो। ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर नाइन, इसके दो पार्ट हो गए देख लो, चले आगे चले। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे, प्रॉब्लम नंबर टेन, प्रॉब्लम नंबर टेन क्या है, प्रॉब्लम नंबर टेन आपको यह बोला गया 27 डिग्री सेल्सियस पर 10 लीटर कंटेनर कंटेन्स, 10 लीटर के कंटेनर में क्या क्या है, वो बोला है पांच मोल H2 है और आपको सॉरी पांच मोल N2 और 10 मोल H2 बोला गया, 10 मोल H2 है आपसे यह बोला गया। एट इक्विलिबियम साम्य पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया 6 दे रखे, तो बोला है कि इसके लिए सारे गैस है, इसके लिए केपी एंड केसी कैलकुलेट करके बताओ, इसके लिए केपी एंड केसी कैलकुलेट करके बताओ, ये अपन से बोला गया केपी केसी कैलकुलेट करके बताना है इसके लिए, ठीक है। मैंने कहा ये पांच मोल है, ये 10 है, ये 0 है, 5 माइनस एक्स होगा तो 10 माइनस 3x होगा, ये 2x होगा, 2x बराबर 6 है तो x बराबर 3, x बराबर 3 तो ये 2, ये 1 और ये 6, केसी तो कैलकुलेट हो जाएगा बहुत आसानी से, 6 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 का क्यूब, वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, इसकी पावर माइनस का 2, 36 इंटू 100 अपॉन 2 1800। अच्छा केपी, मैंने कहा केपी इज इक्वल टू होता है केसी आर टी रेस टू दी पावर डेल्टा एन जी, तो ये हो गया 1800, आर की वैल्यू 1/12 इंटू टेम्परेचर 300 और डेल्टा एन जी माइनस का 2, तो ये कितना होगा 25 है ना, कितना होगा 25 ही तो होगा बोलो, अगर ये 25 होगा तो 25 का स्क्वायर नीचे चला जाएगा 625, इसको सोल्व कर लेना, कर लोगे, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपको ये दे रखा है कि 727 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर और बोला 80 लीटर का कंटेनर है, 80 लीटर का पात्र है, ठीक है, इसमें 10 मोल N2O4 गिवन है इनिशियली, N2O4 टोटल प्रेशर एट इक्विलिबियम जो है वो ये फाउंड हुआ कि 15 एटीएम है, तो आपसे बोला कि N2O4 डिसोसिएट हो रहा है 2 टाइम्स NO2 में, बताओ
इसका केसी एंड केपी कितना होगा। दो मैंने डबल हेडर क्वेश्चन करवा रहा हूं, डबल हेडर का मतलब क्या, दो दो चीजें एक साथ कैलकुलेट हो रही है, केसी केपी। ठीक है भैया, 10 मोल स्टार्टिंग में था तो मैंने कहा एक चीज हो सकती है आर की वैल्यू 0.08 ले लेना अगर रिक्वायरमेंट है तो, कहीं पे जरूरत पड़ेगी भैया। मैंने कहा ये स्टार्टिंग में 10 मोल है, ये 0 है। अब साम्य पर ना तो मोल दे रखा है, सिर्फ प्रेशर दे रखा है, तो साम्य पर प्रेशर दे रखा है तो मैं काम करता हूं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा के साम्य के मोल कैलकुलेट कर लेता हूं। 15 एटीएम दिया, वॉल्यूम 80 लीटर, नंबर ऑफ मोल, आर की वैल्यू 0.08 और टेम्परेचर है 1000 केल्विन। 80 से 80 गया, एन बराबर 15 मोल आ गया, तो 10 माइनस एक्स और इधर हो जाएगा 2x, तो टोटल मोल हो गए ये 15, तो x बराबर 5। ये 5 आया तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 5 के बराबर, इसकी वैल्यू 10 के बराबर। लिखो kc बराबर 10 का स्क्वायर अपॉन 5 अपॉन वॉल्यूम कितना है 80 लीटर, इसकी पावर 1, तो kc बराबर 100 डिवाइड बाई 400, 1/4। केपी चाहिए, केपी इज इक्वल टू मोल कितने हैं 10, 10 का स्क्वायर अपॉन 5। अच्छा प्रेशर लिखो, टोटल टोटल प्रेशर कितना है 15 की पावर 1 और टोटल मोल कितने हो गए, टोटल मोल भी 15, तो ये हो गया 100 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20। केपी कितना आ जाएगा 20 और केसी कितना आ गया, केसी आ गया 1/4 और केपी आ गया 20। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है 1 मोल एसिडिक एसिड प्लस 1 मोल इथेनॉल लिया। मैं क्वेश्चन शॉर्ट में बोल रहा हूं, आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख लेना। 1 मोल एसिडिक एसिड एंड 1 मोल इथेनॉल रिएक्ट एट इक्विलिबियम 2/3 ऑफ एसिड इज एस्ट्रिफिकेटेड। साम्य पर अम्ल का 2/3 एस्ट्रीकरण हो जाता है, एस्ट्रीकृत हो जाता है। ये आपको दे दिया, ये इंफॉर्मेशन होगी। आपको बोला 1 मोल एसिडिक एसिड लिया, 1 मोल इथेनॉल लिया और 2/3 जो है वो एसिड एस्ट्रीफाइड हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 120 ग्राम अगर एसिडिक एसिड लिया जाए प्लस 46 ग्राम इथेनॉल लिया जाए तो एट इक्विलिबियम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्टर कितने बनेंगे। दो, इसने पहले एक इंफॉर्मेशन दी और उसके बाद एक नई इंफॉर्मेशन दी और पूछा कितने मोल एस्टर बनेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले, पहले एक मोल एसिडिक एसिड और एक मोल इथेनॉल दिया और बोला 2/3 जो है वो एस्ट्रिफिकेशन हो गया एसिड का। ठीक है, फिर 120 और 46 ग्राम दिया, बोला इक्विलिबियम पे नंबर ऑफ मोल बताओ एस्टर के कितने होंगे। तो देखना, सुनना आराम से, इस क्वेश्चन को समझना अच्छे से। ये CH3COOH है प्लस C2H5OH है, एस्ट्रिफिकेशन करवाओगे तो CH3COC2H5 प्लस H2O बनेगा। ये लो, स्टार्टिंग में ये 1 मोल है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये सारे लिक्विड है अगर आपको मालूम हो तो इसका मतलब इसका केपी तो कैलकुलेट होगा नहीं। T इक्वल टू 0 पे, T इज इक्वल टू इक्विलिबियम पे 2/3 एसिड एस्ट्रीफाइड हो गया, तो 1-2/3 2/3 केसी कैलकुलेट कर लो, 2/3 × 2/3 अपॉन 1/3 × 1/3 केसी इज इक्वल टू 4। केसी कितना आ गया इस रिएक्शन का, 4 आ गया। इतनी बात समझ में आई आपको, केसी इस रिएक्शन का कितना आ गया 4। अब सुनना बात को अच्छे से, अगर इस रिएक्शन का केसी 4 आ गया तो अब वापस आगे इक्विलिबियम के लिए कंडीशन दी, 120 ग्राम का मतलब होता है ये 2 मोल और इसका 1 मोल। T इक्वल टू 0 टाइम पे वापस नया लो 2100। अपन से पूछा है कि कितना बनेगा, तो मैंने कहा 2-x, तो यहां पे 1-x, यहां पे x और यहां पे x। केसी तो अभी भी वही रहेगा ना, टेम्परेचर आपने चेंज किया नहीं,
मोड ऑफ द रिएक्शन आपने चेंज किया नहीं, तो इसका मतलब केसी तो अभी भी चार ही रहना चाहिए। तो 4 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। यहां से आपको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू लेके आनी है, ये तो काम अब आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ये काम आपको करना है। ठीक है, चलो आगे बात करता हूं मैं, नेक्स्ट बात करता हूं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, हेट्रोजीनियस सिस्टम की तरफ भी अपन अब मूवमेंट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CH3CO CH3 गैस है प्लस CO गैस है। आपको बोला कि टी बराबर 0 टाइम पे इसका प्रेशर 150 mm है, ठीक है, और एट इक्विलिबियम मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3CH3 जो है वो 1/3 है, तो केपी कैलकुलेट करो। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सुनना बात को। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 150 mm है तो ये इसका जीरो होगा प्रेशर, एज ए नंबर ऑफ मोल की तरह ट्रीट कर सकता है। तो मैंने कहा ये एक्स होगा, ये एक्स होगा। जब इसके मोल बराबर बनेंगे, अगर मोल बराबर बनेंगे तो मोल फ्रैक्शन भी बराबर होगी, बोलो, तो दोनों की 1/3, इसकी 1/3, इसकी 1/3, तो टोटल हो गया 2/3, तो इसकी क्या होगी 1/3, या ऐसे कर लो 1 - 1/3 - 1/3 इज इक्वल टू 1/3। बोलिए इसकी भी क्या हो गई, 1/3 हो गई। इसका मतलब तीनों की मोल फ्रैक्शन बराबर है, तीनों की मोल फ्रैक्शन बराबर है, तो तीनों का प्रेशर बराबर होना चाहिए, तीनों के मोल बराबर होने चाहिए। कर दो प्रेशर या मोल को बराबर, कितना दे रखा 150 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, 2x इज इक्वल टू 150, तो x इज इक्वल टू 75, ये 75, ये 75, ये 75, तो kp इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाई 75 डिवाइड बाई 75 इज इक्वल टू 75। ये आ जाएगा, बोलो केपी कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। आगे बात क्लियर है सारी, चलो आगे। अब अपन आते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम की तरफ चलते हैं कि हेट्रोजीनियस सिस्टम में क्या करेंगे। हेट्रोजीनियस सिस्टम में क्या करना चाहिए, देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखना। अगर मेरे को बोला गया कि 727 डिग्री सेल्सियस है, इस पे 1 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आपने किया गर्म, येलो कर दिया गर्म, ठीक है, 80 लीटर का कंटेनर है, मेरे से ये बोला गया साम्य पर कुल दाब टोटल प्रेशर एट इक्विलिबियम इज 6 atm, कितना दिया 6 atm, इक्विलिबियम पे प्रेशर कितना दिया 6 atm, तो क्या क्या कैलकुलेट करवा रहा, देखो ज्ञात करो। क्वेश्चन समझने में किसी को दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में लिखा है 727 डिग्री सेल्सियस पर 80 लीटर के कंटेनर में 1 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को हीट किया, तो साम्य पर प्रेशर इक्विलिबियम पे टोटल प्रेशर 6 atm है, तो क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रतिशत वियोजन, सेकंड मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड
एट इक्विलिबियम साम्य पर कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान, और थर्ड इस रिएक्शन का केपी, इस रिएक्शन का केपी। आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। ये गैस है, ये गैस है, ना इसका प्रेशर होगा ना इसका प्रेशर होगा, ना इसका प्रेशर है ना इसका प्रेशर है। तो मैं एक बात बोलूं, जो साम्य पर टोटल प्रेशर होना चाहिए वो किसका होगा, CO2 का, कितना है 6 atm। ये तो बात समझ में आ गई। तो PV इक्वल टू NRT लगा दो और साम्य पर CO2 के मोल ज्ञात कर लो। टेम्परेचर 1000, 80 से 80 कैंसिल, CO2 के मोल आ गए 6। इसका मतलब अगर ये 6 मोल बनता है, ये स्टार्टिंग में कितने भी मोल हो, स्टार्टिंग में कितने मोल है, 1 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब 10 मोल हो गए, ये 10 मोल था। अब ये 10 माइनस 6 होगा तभी तो यहां पे 6 बनेगा और यहां पे 6 बनेगा, बोलो बोलिए सही बात। तो सुनना, अगर मेरे को फर्स्ट पार्ट लिखना परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 6 मोल डिसोसिएट हो गया डिवाइड बाई 10, तो 0.6, और परसेंटेज में बात करोगे तो 60%। सेकेंड पार्ट कैल्शियम ऑक्साइड का मास, तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बोलू, कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान बोलू, 6 × 56 कितना हो जाएगा, 336 ग्राम। केपी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2, और CO2 का प्रेशर कितना है 6, तो 6 atm आ जाएगा। सीधी सी बात है, केपी प्रेशर ऑफ CO2 होगा तो वो 6 atm के बराबर आ जाएगा। चले आगे बोलो, 15 नंबर क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब मेरे को दे रखा है कि 727 डिग्री सेल्सियस 80 लीटर का कंटेनर 1 किलोग्राम सॉलिड अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड को आपने हीट किया, तो साम्य का जो टोटल प्रेशर दे रखा है वो है 20 atm। ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ NH4HS, और सेकंड इस रिएक्शन का केपी लिखना है आपको। इस रिएक्शन का क्या लिखना है, केपी लिखना है। ठीक है बात, चलो लिखते हैं, लिखे P टोटल 20 atm है, तो P टोटल इक्विलिबियम पे किसके बराबर होगा, पहले तो वो देखें, प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस प्रेशर ऑफ H2S। भैया इसके मोल बराबर होंगे तो इनके प्रेशर भी बराबर होंगे, तो एक बात ये बोल दूं, बराबर होंगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 atm के, ये लो। तो इसके मोल कैलकुलेट कर लूं क्या, कितने कितने मोल आएंगे, कितने कितने मोल आएंगे, तो लगाओ 10 atm इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है 80, नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के कैलकुलेट कर लो, इसका मतलब 10 मोल ही आ गया। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने मान लिया उसके x मोल थे, कितने भी मोल थे x मोल थे, ये जीरो होगा ये जीरो होगा, है ना, यहां x में से 10 मोल जाएगा तो इधर 10 बनेगा ये 10 बनेगा, तभी तो ये कहानी बनेगी। अब एक बात बताओ, इसके 10 मोल का वेट कितना होगा वो चेक कर लो ना, आपको परसेंटेज डिसोसिएशन चाहिए ना आपको, तो मैं कह रहा हूं 10 मोल का वेट कैलकुलेट कर लो ना, कहां दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा इसका मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है 51, तो 10 मोल का वेट आ गया, इतने मोल डिसोसिएट हो गया मतलब इतना ग्राम, अपॉन 1 किलोग्राम में ये हो गया, परसेंटेज चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई 51% आ जाएगा। ये देख लो मोल में क्यों कन्वर्ट नहीं किया सर आपने, अरे भैया 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम में अगर आप 51 का डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा है। मैंने उस कंडीशन से बचने के लिए क्या किया, मास कितना डिसोसिएट हो रहा है वो देख लिया। ठीक है, केपी जो होगा वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, तो ये कितना हो रहा है 10 × 10 इज इक्वल टू 100, ये लो ये केपी आ गया। हो गए ये दो हिट्रोजीनियस सिस्टम के क्वेश्चन हुए, और देखो अभी तो और देख लो,
चले अगला देखे क्वेश्चन नंबर 16। मैंने कहा था ना लगभग मैं आपको केपी केसी से कैलकुलेशन के लगभग 20-22 क्वेश्चन करवा दूंगा। कल वाले लेक्चर में 4 क्वेश्चन करवा के गया, 15 क्वेश्चन अभी तक करवा चुका हूं, 19 क्वेश्चन तो कर लिया अपन ने। क्वेश्चन नंबर देखे 16। अमोनियम कार्बेमेट नाम है इसका, अमोनियम कार्बेमेट सॉलिड होता है, ठीक है। इसके डिसोसिएशन से, वियोजन से डिसोसिएटेड होने पर इक्विलिबियम पे टोटल प्रेशर जो है वो 6 atm क्रिएट हो रहा है। कितना atm प्रेशर क्रिएट हो रहा है? 6 atm। तो बोला है कि इसका इक्विलिबियम कांस्टेंट कैलकुलेट करो। इस रिएक्शन का केपी कैलकुलेट करो। एक बात बताओ, जब ये डिसोसिएटेड होगा, जब ये डिसोसिएटेड होगा तो ये सॉलिड है तो इसका तो प्रेशर कुछ होना ही नहीं चाहिए। इसके मोल डबल बनेंगे तो इसका प्रेशर 2p बनेगा, तो इसका प्रेशर p बनेगा। तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिबियम जो होगा वो 2p प्लस p इज इक्वल टू 3p, और 3p की वैल्यू कितनी है? 6। तो p बराबर कितना आ गया? 2 atm। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया जो होगा वो 4 atm आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होगा वो 2 atm आएगा। तो केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो 4 का स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 32। आ गया 32। ये ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है आपको? बोला है कि एक कंटेनर में CO2 गैस है, इसका प्रेशर जो है वो 0.5 atm है, टी बराबर 0 पे। बोला इसमें रेड हॉट ग्रेफाइट मिला दिया, रक्त तप्त ग्रेफाइट मिला दिया, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे था। तो बोले टोटल प्रेशर जो होता है एट इक्विलिबियम पे वो होता है 0.8 atm। तो बोला इस इक्विलिबियम के लिए केपी कैलकुलेट करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, आराम से सोचो, सोचो देखे क्या आएगा। मैंने कहा ये 0.5 था स्टार्टिंग में, ये 0 था, ये 0, इसका तो प्रेशर होता ही नहीं है वैसे भी। मैंने कहा अगर ये रेड हॉट कार्बन मिला है तो ये रिएक्शन करके फॉरवर्ड में चला जाएगा। मैंने कहा एक्स प्रेशर कम होगा तो इधर 2x क्रिएट होगा, टोटल प्रेशर कितना हो गया? 0.8। 0.5 प्लस x इज इक्वल टू 0.8, तो x इज इक्वल टू 0.3। तो प्रेशर ऑफ CO2 0.2, प्रेशर ऑफ CO 0.6, तो KP इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ CO2, 0.6 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 0.2, 1.8 atm। सही बात बोलो, ओके है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के लेक्चर का। आपको ये बोला गया NH4HS सॉलिड एंड अमोनिया स्टार्टिंग में 0.5 atm प्रेशर पर उपस्थित है। NH4HS के डिसोसिएशन की वजह से टोटल प्रेशर 0.48 atm हो जाता है, कहां पे? इक्विलिबियम पे। तो बोला कि इसका केपी कैलकुलेट करो, इसका केपी कैलकुलेट करो। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप ये मत सोचो जेई में आ रखा है तो मेडिकल में नहीं आएगा। अरे भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिकल बात है, इसलिए करवा रहा हूं, है ना, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में बोला टी बराबर 0 पे 0.5 atm है, तो इसका तो प्रेशर था नहीं, वो प्रेशर किसका था? ये तो था ही नहीं, तो ये 0। इक्विलिबियम पे मैंने बोला ये टूटेगा तो यहां पे कुछ प्रेशर x डेवलप होगा तो इधर भी होगा, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया इक्विलिबियम पे? इतना, और ये किसके बराबर है? 0.84 के, तो 2x बराबर 0.34, तो x बराबर कितना हो गया? 0.17। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा? 0.5 प्लस 0.17 इज इक्वल टू 0.67।
और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S कितना हो जाएगा 0.17, तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S 0.67 इंटू 0.17, इसे सोल्व कर लेना ATM स्क्वायर आ जाएगा। तो भैया 18 क्वेश्चन तो इस क्लास के करा दिए, चार पहले करवा दिए थे, 20 क्वेश्चन का मैंने बोला था मैंने 22 करवा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में चैटेलियर प्रिंसिपल, ला सातेलिए का नियम और इक्विलिब्रियम किस किन चीजों से अफेक्टेड होता है, उन सबको अपन बात करेंगे। ठीक है, यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।